What's up, guys? All is well? If not, then don't worry. Just keep patience and be happy. Everything becomes good. तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई जर्नी एक लेट रनिंग ट्रेन के साथ, जिसका ट्रेन नंबर है 12240 जयपुर मुंबई एसी दुरंतो एक्सप्रेस, जिसमें हम लोग जर्नी करेंगे भदौरा जंक्शन से मुंबई तक के, सॉरी भदोदरा जंक्शन से मुंबई तक के। हमारी ट्रेन भदोदरा जंक्शन से खुल चुकी है, नहीं कि और ट्रेन खुली है, एक ट्रेन इसी की तरह की ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस जो कि बैप 5 के साथ अभी जस्ट निकली है, और हमारी ट्रेन अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी जनरेटर कार है, शायद इसमें टोटल 2 जनरेटर कार हैं, 7 एसी कोचेज हैं और 2 बैप 5 की इंजन है। हमें इसने बैप 5 का लोकोमोटिव इसलिए दिया ताकि हम इसे एक हाई एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि जैसा कि हमें लग रहा है कि हमारी ट्रेन वडोदरा जंक्शन से खुल चुकी है, सॉरी वडोदरा जंक्शन से खुल चुकी है और धीरे धीरे अपने स्पीड को अचीव करने वाले हैं। तो गाइस, इस ट्रेन की लेट तो भले हुई है, ट्रेन भले बहुत लेट चल रही है, लेकिन आज ये ट्रेन एक हाई स्पीड अचीव करने वाली है, अटेंड करने वाली है। आज ये ट्रेन वडोदरा से खुल चुकी है और अपने मुंबई की तरफ का रास्ता तय कर रही है, लेकिन ये ट्रेन आज जो स्पीड अटेन करेगी वो आज तक इंडियन रेलवे में किसी ट्रेन ने नहीं की होगी। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, आज ये ट्रेन 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन करने वाली है, वो भलसाद के बाद और सूरत से पहले, सॉरी कोई और स्टेशन का नाम है वो। चलिए देखते हैं कब ये अटेंड करती है 170, और सूरत से पहले कंफर्म करेगी ये अटेंड 170 किलोमीटर पर आवर, जस्ट रिमेम्बर। और अभी हमारी ट्रेन 120 स्पीड को छूने वाली है, जैसा कि आप स्पीड लिमिट देख सकते हैं, और ये हमारी ट्रेन सिग्नल व्यू में सिग्नल क्रॉस कर रही है एक हाई स्पीड के साथ। जी बिल्कुल, 140 के स्पीड छू चुकी है, और किस तरह से अपने लेट चल रही ट्रेन अपने टाइम को मैनेज करते हुए। ये हमारा कैब व्यू, फ्रंट व्यू, पैनोटोग्राफ व्यू, ये हमारा लोकोमोटिव व्यू कह सकते हैं, ये इनसाइड व्यू और ये ऑर्बिटल व्यू, जो कि मुझे सबसे बेस्ट व्यू लगता है। और ये ट्रेन हाई स्पीड से जंक्शन को क्रॉस करते हुए भरूचरा, क्या जंक्शन था यार, नाम नहीं पता चला, कोई बात नहीं, देखते हैं। और ट्रेन हाई स्पीड 120 किलोमीटर को अटेन की है, और यहाँ पर एक ट्रेन को इसने पीछे चला, यही वो ट्रेन थी जिसने भदौरा में इससे पहले आगे निकली थी, सिग्नल तो साथ में थी लेकिन आगे पहले निकली थी, और हमें इसे बहुत बेइज्जती से पीछे कर दिया। बोगेम्बो खुश हुआ। और हमारी ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है एक हाई स्पीड 170 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, 2 बैप 5 के गजब के एक्सेलरेशन देखने को मिले इस ट्रेन में। ओह क्या सीन है। और हमारी ट्रेन सूरत पहुंच रही है, और बहुत बेइज्जती से सूरत को भी पीछे छोड़ने वाली है एक हाई स्पीड एक्शन में, सूरत से क्रॉस करेगी और वो भी 110 नहीं 170 के स्पीड में। और यहाँ सूरत को क्रॉस करते हुए, और एक बगल से ट्रेन को जा रही है गरीब रथ एक्सप्रेस, सूरत में स्टॉपेज है इसकी, लेकिन हमारी ट्रेन कहीं नहीं रुकने वाली है, सीधा मुंबई में रुकेगी, और उसके बीच जो इसकी स्पीड है वो 170 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। सूरत से पहले एक स्टेशन था, मैंने उसका नाम नहीं पढ़ा था, उसके जस्ट आगे इसने इस स्पीड को अटेन किया, और देखिए किस तरह से इसके व्हील रोटेट कर रही है हाई स्पीड के लिए, और सिग्नल रेड थी लेकिन सॉरी येलो से ग्रीन हो चुकी है, और हमारी ट्रेन अपनी स्पीड को मेंटेन रखेगी। ओह गुड गोइंग, थैंक यू। यार ट्रैक चेंज है, आप यहाँ पर स्पीड लिमिट को भूल जाइए कि क्या हमारे स्पीड लिमिट है, बस स्पीड को फील कीजिए, ट्रैक चेंज भी भूल जाइए, समझ जाए कि 70% ट्रैक चेंज कर लिया, क्योंकि हमें एक हाई स्पीड एक्शन देखना है ना है,
अब हमें सामने दिख रहा है, और ये एक फ्राइट ट्रेन खाली जाती हुई और मुंबई का नज़ारा शुरू हो चुका है। मुंबई इंडियंस, हमारी ट्रेन कुछ ही देर में मुंबई पहुंचने वाली है और हम मुंबई के ऑर्डर पर आ चुके हैं। जिस तरह से प्लेटफॉर्म 2, 3 से 4, फिर 4 से 5 होंगे, और इसी बीच हमें एक ICF कोचेज की ट्रेन मिली जो कि BAP 7 उसे होल्ड कर रही है, और हमारी ट्रेन की स्पीड घट रही है क्योंकि हम प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है। और धीरे धीरे हमारी ट्रेन की स्पीड घटते हुए और स्टेशन पास आते हुए और हमें सिग्नल येलो से रेड मिल गया है, और हमारे हम अभी 100 वाट हमारी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ अप्रोच कर रही है, और हम लोग 1 घंटा पहले दिए हुए टाइम से पहुंच चुके हैं मुंबई। भले हमारी ट्रेन लेट थी, लेकिन जितना टाइम इसे लगता है वडोदरा से मुंबई आने में, उससे इसने 1 घंटे कम ली, और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है, दरवाज़ा खुल गया। और ये देखिए हमारी एक्यूरेसी 65 टाइमलेस।